तो भाइयों आज आपके सामने खड़ा है आइसर 551 सिल्वर कलर के अंदर 5 स्टार। ये जो है प्राइमा के अंदर भी आप जो 551 को ले सकते हो और सिल्वर कलर के अंदर भी आप जो इसे ले सकते हो, लेकिन ये जो है हाइलो मीडियम के अंदर आपको जो है नहीं मिलेगा, ना ही तो जो है प्राइमा के अंदर मिलेगा, ना ही जो सिल्वर कलर वाले इस मॉडल के अंदर मिलेगा। क्या पता आने वाले टाइम के अंदर जो है प्राइमा और इस मॉडल के अंदर जो है लॉन्च कर दें हाइलो मीडियम को, लेकिन जो है फिलहाल ये जो है 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स ईयर के अंदर ही आता है। तो आज की वीडियो में भाई पूरा एक्सप्लेन करें ट्रैक्टर को, कितने कुछ इसके अंदर फीचर्स आते हैं, क्या कुछ इंजन पावर है और क्या कुछ जो आपको ये प्राइस में मिल जाएगा, सबके ऊपर बात करें। तो वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, आपको जो है आइसर 551 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे से ऐसा कुछ जो आपको लुक मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है हेलोजन लाइटिंग मिल जाती है, आइसर का लोगो मिल जाता है, ड्राई टाइप यहाँ पर आपको जो एयर क्लीनर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो 5 स्लॉट ग्रिल मिल जाती है और साइड में भी यहाँ पर आपको जो है ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो वेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको जो बम्पर मिल जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर लगा कर दे रखा है ऊपर नहीं है, तो थोड़ी जो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, तो इसको जो ऊपर देना चाहिए था, लेकिन जो आइसर कंपनी सही मॉडलों के अंदर जो है तकरीबन नीचे जो है यहाँ पर देती है बम्पर को। फ्रंट वाले टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 716 के मिल जाते हैं और रियर वाले टायर साइज आपको जो है 1428 के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो 551 की बैजिंग मिल जाती है, 5 स्टार की बैजिंग मिल जाती है, ऐसा आपको जो साइलेसर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है जाली भी मिल जाती है अच्छे से। डुअल टोन के अंदर यहाँ पर आपको जो बैटरी बॉक्स मिल जाता है आइसर की बैजिंग के साथ, यहाँ पर आपको जो हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टेयरिंग पंप मिल जाता है और ये लिफ्ट फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो बैजिंग मिल जाती है, स्टार 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 काफ़ी स्टार दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो 3D के अंदर जो 5 स्टार की बैजिंग मिल जाती है, पावर स्टेयरिंग की यहाँ पर आपको जो बैजिंग मिल जाती है। और इधर की साइड से लुक चेक करो, यहाँ पर आपको जो है डबल डीजल फिल्टर मिल जाता है, वाटर स्प्रेटर मिल जाता है, सिंगल फुटस्टेप मिल जाता है और नीचे आपको जो अच्छे से यहाँ पर आपको जो सॉलिड दे रखा है नीचे, आपको यहाँ पर भी जॉइंट मिल जाता है, सीधी ये पत्ती नहीं दे रखी। और यहाँ पर आपको जो है डुअल क्लच की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो है PTO का लीवर मिल जाता है, यहाँ पर आप जो फ़ोन वगैरह चार्ज लगा सकते हैं। तो फीचर आपको जो लगभग सभी मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। और अभी शो खोल कर देखते हैं, और इसकी शो जो है ऐसे ओपन होती है, आगे से नहीं होगी, इसकी जो है पीछे छुटाना पड़ेगा, सिंगल बोनट शो मिल जाती है। वैसे यहाँ पर आपको जो कूलेंट के लिए दे दिया और सामने रेडिएटर वगैरह, और यहाँ पर एयर क्लीनर मिल जाता है। और अंदर से देख लो, वाटर कूल्ड इंजन है, 3300 cc का, 50 HP कैटेगरी है, वैसे 49 HP कैटेगरी इंजन है इसके अंदर। और बात करें ट्रैक्टर की लंबाई की, कितना कुछ आपको जो ट्रैक्टर लंबा मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जो ये ट्रैक्टर 3660 mm का लंबा मिल जाता है और कुल चौड़ाई यहाँ पर आपको जो 1775 mm की मिल जाती है, चौड़ाई भी आपको जो अच्छा खासा मिल जाता है ट्रैक्टर। और बात करें ऊंचाई की, तो यहाँ पर आपको जो है 2260 mm की यहाँ पर आपको जो ऊँचाई मिल जाती है, और व्हील बेस यहाँ पर आपको जो 1980 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और कुल वजन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 21 क्विंटल 90 किलो का यहाँ पर आपको जो कुल वजन मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, तो काफ़ी हैवी ट्रैक्टर मिल जाता है आपको। और पीछे से बात करें तो पीछे से आपको ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का। अगर बात करें इसके जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको जो 21 क्विंटल की 2100 kg की यहाँ पर आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। बात करें PTO HP की, तो यहाँ पर आपको जो 42.5 की तकरीबन आपको जो 43 HP की PTO पावर मिल जाती है, 49 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। यहाँ पर आपको जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर लीवर यहाँ पर मिल जाता है आपको, ये सॉकेट मिल जाता है, रिफ्लेक्टर बोटल होल्डर, एडजस्टेबल सीटिंग मिल जाती है इसके अंदर। और PTO के लिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आपको जो है ये टेप ही मिल जाती है वैसे आइसर की नॉर्मल सी, इसको जो 3D बैजिंग में देते तो काफ़ी बढ़िया लगता, लेकिन इसको जो टेप के अंदर ही दे रखा है तो वही ना। यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको जो पकड़ने के लिए मिल जाता है मटकार्ड के ऊपर, यहाँ पर आपको जो बैक लाइट मिल जाती है हैलोजन, यहाँ पर आपको जो पूरा सेटअप मिलता है, कोई भी यहाँ पर आपको जो LED लाइटिंग नहीं मिलती। आगे आपको जो टूल बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ से आप जो शो ओपन करोगे 47 लीटर की इसकी जो टंकी मिल जाती है, टंकी जो थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पर आपको जो ये टंकी मिल जाती है कम से कम जो 55-60 लीटर की होनी चाहिए थी। और यहाँ पर आपको जो फुट स्टेप मिल जाता है, और ऊपर से बात करें तो ऐसा कुछ जो ऊपर से लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का, ऐसा कुछ जो स्टेयरिंग मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो पकड़ने के लिए मिल जाता है, ऐसा कुछ जो क्लस्टर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिल जाता है। और ऊपर से लुक चेक करो, यहाँ पर आपको जो है मिरर मिल जाता है डुअल टोन के अंदर, यहाँ पर आपको जो बैटरी बॉक्स मिल जाता है, ऑयल मेज डिस्क ब्रेक दे रखा है, और रेस ऐसा कुछ जो मिल जाता है आपको काफ़ी बाहर निकला हुआ। और यहाँ पर आपको जो ये हैंड ब्रेक
मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक दे रखा है, गियरों के अंदर आपको जो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही कंपनी। यहाँ पर आपको जो है ये सॉकेट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और अब चेक करते हैं इसकी आवाज़, ये जो क्लच दबाकर स्टार्ट होगा। टर्निंग रेडियस चेक करो, और आवाज़ काफ़ी बदल जाती है अगर हम पूरा स्टीयरिंग घुमा लेते हैं। ये देखो जैसे दब रहा है ट्रैक्टर, आवाज़ सुनो। दो के गियरों की स्पीड चेक करा देता हूँ। तो अभी करते से पहले गियर में और इसे कर लेते हैं लो। ये जो है लो के पहले की, ये जो लो के पहले की स्पीड है, इतनी कुछ आपको जो स्पीड मिल जाती है। अभी दूसरा लगा दिया, दूसरे के लो की इतनी स्पीड मिल जाती है। अभी लो के तीसरा है, लो के तीसरे की इतनी स्पीड मिल जाती है। अभी चौथा लगा दिया, चौथे का लो है, अभी पहले का गियर देख लेते हैं, पहले लगा लिया और अभी इसको आई कर देते हैं। पहले के आई की और स्पीड चेक कर लो, थोड़ी सी जो है जगह कम है, नहीं तो मैं आपको जो आई के गियरों की भी स्पीड चेक करा देता। ऐसी कुछ आपको जो गियरों की चाल मिल जाती है और आवाज़ आपने सुनी ली, आवाज़ भी आपको जो बढ़िया मिल जाती है। कुल मिलाकर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। तो ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से ट्रैक्टर के ऊपर बनाएं वो भी आप जो कमेंट करके जरूर से बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।